सो आप सब आई हो, आप सब अच्छे होंगे। और देखिए अभी सुबह के बज चुके हैं 6 यहाँ पर, और इधर देखिए यहाँ पर नव्या सोई हुई है और बच्चे हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। ये देखिए ये नहा चुकी है रूहानी, और मन्नू गई है अभी स्कूल सॉरी रसोई में, और वो भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। और यहाँ ये कर रहे हैं ब्रश, ये भी उठ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इनको तो। और ये देखिए यहाँ पर रूहानी भी अपना बैग लगा रही है, और सारी चीज़ें चेक कर लेना ठीक है, क्या है क्या नहीं बैग के अंदर। तो चलिए अभी मैं इनके लिए बनाती हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाऊँगी मूंग के दाल के चिल्ले, तो वो दिखाऊँगी मैं आपको नाश्ते में आज। और इसकी फरमाइश है कि सॉस के साथ ही भेजना मुझे चिल्ले, तो भेज दूँगी मैं इसको सॉस के साथ। तो देखिए गाइज़ अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और ये रात को दाल भिगो कर रखी थी मैंने, अभी इसको मैं अच्छे से धो लूँगी क्योंकि गर्म था पानी, थोड़ा गर्म हो जाता है, झाग सी आ गई है इसमें। और ये देखिए अच्छे से इसको अब मसल मसल कर धो लूँगी, जितना भी इसके अंदर पॉलिश वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा, और अच्छे से धो लेंगे। और इसको बना लूँगी फिर मैं पेस्ट मिक्सर में डालकर, और इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली अभी मैंने, क्योंकि नव्या को भी दूंगी मैं, इसीलिए मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, सिर्फ सिंपल पेस्ट बनाऊंगी। फिर बाद में जो भी मुझे मिलाना होगा नव्या का अलग निकाल कर एक कटोरी में, उसके बाद फिर बना कर दूँगी मनु और रूहानी को, और इनका टाइम भी होने वाला है इसलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ सारे काम। और ये देखिए मिक्सी में मैंने डालकर इसको चला दिया है, और ये देखिए यहाँ पर मिक्सी में दाल डाल दी है मैंने, इसको निकाल लूँगी मैं इस बैटर को, जो ये मैंने डोंगा रखा हुआ है इसके अंदर निकाल लूँगी। और प्याज टमाटर मैंने जो हाथ वाली मिक्सी है उसमें से निकाल दिए थे, और उसके बाद हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते, इसलिए प्याज टमाटर ही डाले थे सिर्फ इन चिल्लों के अंदर, और अच्छे बने थे जैसे बनते हैं वो बेसन वाले चिल्ले, पर बेसन का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, और दाल में थोड़ा दाल का टेस्ट आ रहा था, पर जो बच्चे दाल वगैरह नहीं खाते उनके लिए अच्छा है ये चीज़ दाल खिलाने के लिए। बच्चों को दालें अगर नहीं खाते हैं तो इस तरीके से दाल हम खिला सकते हैं। और ये देखिए बैटर हो चुका है रेडी, अभी मैं इसको डाल दूँगी और नव्या का कटोरी में निकाल कर रख दूँगी अलग से, और इसके अंदर जितना भी बचा हुआ है पानी डालकर मिक्सी के अंदर वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा पतला बैटर रखेंगे इसका क्योंकि ये गाढ़ा गाढ़ा पीसा था मैंने, और अब इसको पतला कर लेंगे थोड़ा सा। और इधर आ गई है नव्या खेलते खेलते, क्योंकि वो सोकर उठ चुकी थी, वो सुबह ही उठ जाती है जब मनु लड्डू तैयार होते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद ही उठ जाती है। ये देखिए हमारा बैटर बन चुका है प्याज और टमाटर, ज़्यादा प्याज टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि ये फिर निकाल कर फेंक देते हैं बच्चे, और इस मिक्सी के अंदर हाथ वाली मिक्सी में कर लूँगी प्याज और टमाटर को, और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक मिर्च डालकर।
देखिए गाइस यहाँ पर हमारा बैटर बनकर हो चुका था तैयार, और अभी मैंने ये नॉन स्टिक वाला पैन रख लिया है। वैसे तवे पर भी बन सकते हैं पर उस पर चिपक जाते हैं, और नॉन स्टिक पर अच्छे से निकल कर आ जाते हैं अपने आप, उनको ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं निकालना पड़ता, अच्छे से निकल जाते हैं। और अभी मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और अभी डाल दूँगी मैं ये पेस्ट। और जैसे डोसा फैलाते हैं, पतले पतले बनाएंगे डोसे के जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा चिल्ला बनकर आया हमारा, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको थोड़ा देर तक पकाना पड़ता है क्योंकि इसका पतला बैटर होता है ना, इसीलिए इसको अच्छे से पकाना चाहिए। और ये बहुत क्रिस्पी बनकर आता है, बहुत टेस्टी चिल्ले बने थे ये, एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखिए गाइस यहाँ पर हमारे चिल्ले बनकर हो रहे हैं तैयार, और ये देखिए इधर रूहानी खड़ी हुई है, अभी मैंने इसकी चोटी बनानी है, और इसकी चाय इधर मैंने डालकर रख दी है, अभी मैं डालूँगी मन्नू की चाय। सबसे पहले इसको नाश्ता देते हैं क्योंकि ये नाश्ता कर कर फिर रेडी हो जाएगी, बस सिर्फ चोटी करनी रह जाएगी, इतना शूज़ वगैरह डाल के रेडी हो जाएगी नाश्ता करने के बाद। और इसके पापा गए अभी नहाने के लिए, वो भी आ जाएंगे तो उनको भी साथ के साथ चाय वगैरह दे दूँगी। नाश्ता तो वो आके ही करेंगे इनको छोड़ के आने के बाद में। यहाँ पर आज के कमरे में ये दोनों सोई पड़ी हैं, नव्या भी सो रही है, नव्या यहाँ पर सो चुकी है, और मनु दीदी भी अभी सो कर उठ गई है। तो देखिए गाइस गौर दीदी भी रेडी हो चुकी है, और गंगा देवी नहाने गई है, और यहाँ पर नव्या उठ गया खेलने के। तो गाइस देखिए यहाँ पर मम्मी ने चिल्ले बना दिए हैं, और मैं लेके आ गई हूँ कमरे में, तब मैं खा लूँगी, हमें रेडी भी होना। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये खेल रही है नव्या, और ये देखिए इसका टमाटर गिरा हुआ है, इसको पकड़ेगी ये अभी, यहाँ पर जो इसका टमाटर है ये देखिए इसके जितना ही है छोटा सा, और इसको मैंने ये खाने के लिए दिया है। और ये देखो कहाँ कहाँ पे चढ़ रही है ये, बाबू गिर जाएगी, बाबू ओए ले चिज्जी। अभी तो तहकीकात में लगी है कि कुंडी कैसे बंद करूं मैं। और यहाँ पर ये रही रूहानी, और इसने आके कपड़े नहीं डाले स्कूल से, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में घूम रही है ऐसी। और यहाँ पर मन्नू कर रही है इसके स्कूल की चेकिंग, स्कूल का काम करा है इसने तो वो चेक कर रही है, अभी इसने सारा काम करा है। अभी मैंने इसको इंग्लिश की नोटबुक में से काम करने के लिए दिया था, और वो कर लिया है। और इधर ये देखिए खेल रही है, बाबू हेलो चांद चांद, हाँ जी हाँ जी को बात, हाँ जी कहो जान क्या हो गया जान, देखो जाली में से झांक रही अंजी। अच्छा काकू बाबू पापा
अच्छा पापा बोलो, पापा। ये देखिए देखिए कहाँ कहाँ घुस रही है, देखिए जा जाकर वो गिरेगा। नो 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 नो, देखिए तो देखिए गाइस, अभी मैंने इधर काट दी है ये गोभी, आज बनेगी आलू गोभी की सब्जी। इधर ये आलू भी काट कर रख दिया, टमाटर ले आई हूँ, और ये सब कुछ काट कर रख लिया है। और ये जो मिर्च है ना, इसको डालूँगी मैं, जो अचार का मसाला रखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि आम तो उसमें से ख़त्म हो चुके हैं, अब डाल दूँगी उसके अंदर मिर्च। और ये देखिए अभी बनाते हैं चलो सब्जी। और ये आ गई है देखिए घूमते घूमते मेरे पीछे। नो बेटा नो 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 नो, मिर्ची नहीं लेनी। और यहाँ मैं सूखी वाली मिर्चें फेंक रही थी और ये नीचे गिर गई हैं, तो ये उनको उठाने के लिए आ रही है। ये फेंक दूंगी मैं इधर से पीछे। और ये देखिए पानी में ना जाए ये, क्योंकि बारिश आई इतनी हल्की हल्की, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। अभी मैं वाइपर से इसको साफ़ कर दूँगी। और इधर ये देखिए कपड़े तेज हुई थी, यहाँ भी थोड़ी देर हुई थी तेज, पर उसके बाद ब्रेक वाली लगी हुई थी। और कल है रूहानी की पीटीएम, कल इसकी पीटीएम है, तो मुझे पीटीएम में भी जाना है, इसके पापा और मैं दोनों ही जाएंगे। 11 बजे क्योंकि इसका स्कूल दूर है ना, फिर अगर मैं अकेली भी जाऊँगी तो फिर मेरे को टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसके पापा के साथ ही जाएंगे दोनों ही। हम इकट्ठे चले जाएंगे, बाइक पर चले जाएंगे, और इसको साथ में लेकर भी आ जाएंगे। वैसे तो इसके पापा भी जा सकते हैं, पर वो ये बोल रही थी कि मम्मा आप भी आना, टिफ़िन भेजूंगी। जब टिफ़िन बोला तो टिफ़िन ही मिलेगा, चीज़ नहीं मिलेगी। इसको ये होता है कि बाहर की फ्रूटी वगैरह ये चीज़ें मैं खा लूँ, घर के टिफ़िन नहीं लेके जाना पड़े। नो 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 नो, घुस गई पानी में, घुस गई। नो 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 नो, ये देखिए कितनी जोर जोर के चिल्लाती है ये, कि यहाँ पे वाइपर लगा देते। टमाटर उठाओ अपना, चलो चलो टमाटर उठाओ। टमाटर बॉल की तरह पकड़ लिया, बॉल फेंक के मारी वो ऊपर चलो ना, मैंने पढ़ाई भी कर ली तो। अभी मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी ना, तो अभी मैं बनाऊंगी सब्जी। ये देखिए साफ हो गया, खेल लो, चलो खेल लो खेल लो। तो यहाँ पर चल रही थी नव्य की मस्ती, बहुत देर तक खेली वो मेरे साथ। तो चलिए गाइस इस वीडियो करते हैं पर एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट कर जरूर बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।